हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क। मेरा नाम है अभिषेक और इस समय मैं एक बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन फुटबॉल को लेकर। आपको पता है कि भारतीय टीम इस समय कतर में अभ्यास कर रही है, क्योंकि भारतीय टीम को 3 मैचेस खेलने हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 को के क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस हैं। हालांकि हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं क्वालिफिकेशन राउंड से सैडली, और लेकिन जो 2023 में जो एशिया कप खेला जाना है चाइना में, उसके लिए अभी भी हम कम्पीट कर रहे हैं। और उस लिहाज से देखें तो हमारा जो मैच है वो 3 जून को खेला जाएगा अगेंस्ट कतर, उसके बाद 7 जून को खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ और 15 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ ये हमारा मैच खेला जाएगा। एंड आई होप कि भारतीय टीम बेटर परफॉर्मेंस करे। लेकिन खबर ये है कि भारतीय टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू द स्टार गोलकीपर, उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात कही और उन्होंने कहा है कि यू नो कोविड के बाद जिस तरीके से टीम ने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, उन प्रैक्टिस मैच में से ओमान के खिलाफ कमाल का परफॉर्मेंस टीम ने करके दिखाया था और वो जो मैच था वो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था। बट एट द सेम टाइम आपको याद होगा कि उस मैच में 10 हमारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कि डेब्यू किया था भारतीय टीम के लिए, लेकिन फ्रेंडली मैच था। लेकिन नेक्स्ट मैच में हमें यूएई की टीम ने 6-0 के एक बड़े अंतर से हराया था और वो काफी सैड पॉइंट था भारतीय फुटबॉल के लिए। लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू का कहना है कि बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम जो है वो सारी चीजों को भुला चुकी है। दैट वाज अ फ्रेंडली मैच जिसे हम भुला चुके हैं और आने वाले 3 मैचेस में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देखेंगे कतर के खिलाफ, इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ, वो आपका दिल खुश कर देगा। उनका ये कहना है कि मैं वादा करता हूं कि भारतीय टीम जो है वो आपको कहीं बेटर परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगी आखिरी के 3 मैचेस में, और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पॉइंट्स टेबल में इस समय हम देखें तो 3 मैचेस हमने ड्रॉ खेले हैं और यू नो कतर के खिलाफ हमने ड्रॉ खेला, अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा मैच ड्रॉ रहा, बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच ड्रॉ रहा, जबकि ओमान की टीम ने हमें एंड होम यू नो होम एंड अवे दोनों में हमें हराया था। तो उस लिहाज से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले 3 मैचेस। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द इंडियन फुटबॉल टीम, क्योंकि 3 तारीख को कतर के खिलाफ मैच है और कतर के खिलाफ हमने, आपको याद होगा कि जब 2019 में मुकाबला खेला गया था उस समय हमने उनके घर में जाकर निल निल यानी कि कोई गोललेस ड्रॉ खेला था और वो कितना बड़ा रिजल्ट था, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट था इंडियन फुटबॉल के हिसाब से। एंड आई होप कि उसी परफॉर्मेंस को इंडियन फुटबॉल टीम रिपीट कर दे। लेकिन आने वाले 3 मैचेस के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है, सभी के सभी खिलाड़ी जोश से भरे हुए यू नो जोश से काफी ज्यादा भरे हुए नजर आ रहे हैं और ये तीनों जो मैचेस हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे और मेरे ख्याल से भारतीय फुटबॉल टीम और उनके खिलाड़ी सीनियर और जूनियर मिलकर, यानी कि एक्सपीरियंस और टैलेंट मिलकर, जो यंगस्टर्स का टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है हमारे सीनियर खिलाड़ियों का, ये दोनों ही मिलकर अच्छे से जेल करेंगे और आने वाले 3 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। इंडियन फुटबॉल से लेकर यूरोपियन फुटबॉल सारी चीजें हम कवर करते हैं स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। एंड आई होप कि आप सभी को हमारी कवरेज पसंद आ रही है। एंड इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि सबसे अपडेटेड और सबसे बेहतरीन तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है इंडियन फुटबॉल से लेकर तमाम फुटबॉल और क्रिकेट की यहां पर मिल जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।